हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोबाइल 20। तो आप लोग कैसे हो, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपको और एक नए वीडियो लेकर, तो इस वाला वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाने को इस टाइप से लिरिक्स वीडियो आप कैसे बना सकते हैं रेड मोशन ऐप के मदद से, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना बिना कोई स्किप के, और अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको रेड मोशन ऐप ओपन कर लेना, ठीक है। देन आपको करना क्या है, प्लस वाला ऑप्शन पर आपको सिंपल से क्लिक कर लेना, 9:60 का जो रेशियो आपको सिंपल से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। देन आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना। देन आपको करना क्या है, प्लस वाला ऑप्शन पर जाने के बाद आपको इधर से आपका जो ऑडियो है आपको सिंपल से आपको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो ऑडियो है वीडियो फॉर्मेट में है, तो मैं वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। वीडियो को ऐड करने के बाद मैं 3 डॉट पर जाके इधर एक्सट्रेट ऑडियो करके वीडियो को मैं सिंपल से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। देन आपको प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ये वाला जो सेफ है इसको आपको सिंपल से क्लिक करना है। देन ओके पे क्लिक करके आपको 3 डॉट पे जाना है, देन फिल कंपोजिशन एरिया कर देना, ठीक है। देन आपको कलर एंड फिल पे जाने के बाद आपको जो ब्लैक कलर के बाद जो कलर है ये आपको सिंपल से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। देन आपको सॉन्ग के लास्ट पे आपको आना है, ठीक है। देन लेयर के ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करके इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, देन आपको ये लास्ट तक ले आना है, ठीक है। देन आपको करना है कि आपका जो गाना है ये आपको सुन सुनकर इधर बीट मार्क लगा देना है, ठीक है। तो बीट मार्क कैसे लगाते हैं, मान लीजिए आपका पहला जो गाना है आप सुन लीजिए इधर तक है, ठीक है। तो मैं इधर तक क्या करूँगा, जो टाइमर है इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है, देन आपका जो फास्ट बीट मार्क है आपको लग जाएगा, ठीक है। देन इस टाइप से आपको सुनना है, इधर तक आपको सेकंड बीट मार्क है, ठीक है। इसी तरह से आपको जो बाकी का बीट मार्क है आपको सिंपल सा गाना सुन सुनकर लगा देना है, ठीक है। देन आपको करना क्या है, प्लस वाला ऑप्शन पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है, एंड आपका जो लिरिक्स है ये आपको इधर सिंपल सा भी लिख लेना है, ठीक है। तो लिरिक्स लिखने के लिए आपको ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन आपका जो मतलब गाना का जो पहला लिरिक्स है वो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। देख सकते मेरा जो गाना का जो पहला लाइन है वो मैं लिख लिया। देन आपको करना क्या है, इधर ऊपर की तरफ कॉर्नर पर आपको सिंपल सा क्लिक करके टेक्स्ट को बीचों बीच ले आना है, ठीक है। देन रोबोट रेंगुलर पे जाने के बाद ये वाला जो फ्रंट है आपको सिंपल सा सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन आपको साइज वाला ऑप्शन पे जाने के बाद इसका जो साइज है आपको 96 का आपको कर देना है, ठीक है। देन आपको इसका जो कलर है आपको सिंपल सा ब्लैक रख लेना, ठीक है। देन ओके पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है, ठीक है। देन आपको करना कि आपको जो पहला बीट मार्क है इसके ऊपर आपको आना है, और बाकी का जो लेयर का बाकी का पार्ट है इससे आपको काट देना है, ठीक है। देन आपको करना कि इधर आपको अभी इफेक्ट लगाना, तो इफेक्ट लगाने के लिए आपको लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है, ठीक है। देन आपको करना क्या है, नीचे की तरफ आना है, टेक्स्ट पे आना है, देन इधर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो इफेक्ट है आपको सिंपल सा स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है, ठीक है। देन आपको करना क्या है, नीचे की तरफ आना है, इधर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, लेयर एंड कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है, ठीक है। देन आपको करना क्या है, नीचे की तरफ आना है, इधर एक ऑप्शन मिल जाएगा स्केल करके, इसके ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना। देन आपको लेयर के फास्ट वाला ऑप्शन पे आपको आना है, ठीक है। देन आपको इधर एक बीट मार्क लगा देना है, बीट मार्क लगा देने के बाद इसका जो वैल्यू है आपको सिंपल सा -1 कर देना है, ठीक है। देन आपको सिंपल सा थोड़ा दूर बाद आना है, इतना दूर बाद आने के बाद आपको और एक बीट मार्क आपको लगा देना है, ठीक है। देन इसका जो वैल्यू है आपको करना के +0.15 कर लेना है, ठीक है। तो मैं +0.15 कर देता हूँ, प्लस इतना तक रखना है, ठीक है। देन आपको करना क्या है, थोड़ा दूर और आपको इधर आना है, ठीक है। इतना दूर आने के बाद आपको और एक इसका जो वैल्यू है ये आपको सिंपल सा करना क्या है, -0.10, ठीक है। तो मैं -0 कर लेता हूँ, ठीक है, इतना तक रख लूँ। देन आपको करना क्या है, थोड़ा दूर और आपको आना है, ठीक है। ये जो वैल्यू मैंने लगा है ना ये आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इधर आपको करना कि बीट मार्क लगा कि इसका जो वैल्यू है आपको 0 कर लेना है, ठीक है। तो मैं 0 कर ले। देन आपको करना कि लास्ट पे आपको चले आना है, ठीक है। लास्ट पे मतलब लास्ट पे आना है, ठीक है। तो इतना दूर आपको आना है, ठीक है। इतना दूर आने के बाद आपको इधर एक बीट मार्क लगा देना, ठीक है। देन इसका जो वैल्यू है आपको मतलब 0 ही रख लेना, ठीक है। देन थोड़ा दूर बाद आपको आना है, इधर बीट मार्क लगा के आपको करना क्या है, थर्ड में जो मैंने वैल्यू मतलब हम लोगों ने लगाया मतलब -10, ठीक है, ये 0.10 ये आपको सिंपल से इधर लगाना है, ठीक है। देन थोड़ा दूर बाद आपको आना है, ठीक है, इस स्टेप से आपको आना है। देन इधर एक आपको बैकग्राउंड मतलब बीट मार्क लगाना है, इसका जो वैल्यू है आपको प्लस
10 मैंने 15 करना है, ठीक है। तो मैं 0.15 कर देता हूँ, ठीक है। एंड लास्ट पे आपको चले आना है, ठीक है। लास्ट पे चले आने के बाद और बीट मार्क लगा के इसका जो वैल्यू है आपको -1 कर देना है, ठीक है। तो जो वैल्यू मैंने लगाई आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस स्टेप से आपका जो पहला मतलब इफेक्ट है आपको लग जाएगा, ठीक है। देन लेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, एड इफेक्ट पर जाने के बाद आपको और एक इफेक्ट आपको लगाना है। तो जो इफेक्ट आपको ड्राइंग एंड एज पे आपको किम पे से क्लिक करना है, स्मूथ बेफल करके एक ऑप्शन मतलब इफेक्ट मिल जाएगा, ये आपको सिंपल सा ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको करना है कि इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है स्पेकुलर एंगल, इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है, ठीक है। देन आपको लेयर के फास्ट आना है, देन इसका बैग जो बीट मार्क एक लगा देना है एंड इसका जो वैल्यू है आपको 0 कर लेना है, ठीक है। एंड लास्ट पे आपको चले आना है लेयर के, ठीक है। लास्ट पे आने के बाद इधर आपको और एक बीट मार्क लगा देना है, देन इसका जो वैल्यू है आपको बढ़ा के 360 कर देना है, ठीक है। तो इस स्टेप से कुछ आपका जो हो जाएगा। देन आपको और एक इफेक्ट आपको लगाना है, ठीक है। तो प्लस वाला ऑप्शन मतलब लेयर पे को क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाने के बाद ऐड इफेक्ट पे जाना है, ठीक। एक इफेक्ट मिल जाएगा स्ट्रिप सर्कल, अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप उधर सर्च करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस स्टेप आपको हो जाएगा। देन इसको आपको करना है जो काउंट है आपको सिंपल सा मतलब पूरा कम करके 0.5 करना है, ठीक है। एंड वाइप को आपको करना क्या है 0.15 करना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लेना, मैं एडजस्ट कर देता हूँ 0.15 से, ठीक है। इतने तक एंगल को छोड़ कर आपको फेस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फेस पे क्लिक करने के बाद आपको चले आना है, आपका जो द्वितीय बीट मार्क लगा है इसके ऊपर आपको सिंपल सा आना है और इसका जो वैल्यू है आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ 0.50, ठीक है। तो मैं 0.50 कर देता हूँ, इतने तक रखना है, ठीक है। देन आपको करना क्या है इधर आपको एक बीट मार्क लगा देना है, ठीक है। आपको क्या करना क्या लास्ट पे आपको सिंपल से चले आना है, ठीक है। तो लास्ट पे आने के बाद आपको इधर और एक बीट मार्क लगा देना, इसका जो वैल्यू है आपको 0 कर लेना है, ठीक है। तो आपका जो टेक्स्ट है इस टाइप से आपको कुछ हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इस टाइप से कुछ हो जाएगा, ठीक है। देन आपको करना क्या है आपको सिंपल से इसको क्लिक करना है और जो स्ट्रिप वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको सिंपल से आना है, ठीक है। और इसका जो अगर आप कलर चेंज कर सकते हो तो करना चाहते हो तो कलर चेंज कर सकते हो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये कलर मैंने दिया था, ये वाला मैं दे देता हूँ, ठीक है। देन आपको नीचे की तरफ स्मूदिंग के ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस टाइप से हो जाएगा। तो आप स्मूद कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं पॉइंट इतना तक रख देता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से स्मूद कर लेना, ठीक है। देन आपको देन आपको करना है जो स्ट्रिप वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको 3 डॉट पे क्लिक करके इसका जो एक डुप्लीकेट आपको कर लेना है, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद आपको नीचे की तरफ जो है यह इसके ऊपर आपको आना है। देन आपको करना क्या है आपको फेस वाला ऑप्शन पे सिंपल से क्लिक करना है, ठीक है। अभी आपको ध्यान से देखना है जो लास्ट जो बीट मार्क आपने लगाया था इसके ऊपर आपको इसको सिंपल सा जो फास्ट बीट मार्क लगाया ना इस मतलब इधर आपको लगाना है और जो फास्ट में अलग इसको मैं लास्ट पे लगा देता हूँ और इसको मैं फास्ट पे लगा देते हो, ठीक है। आपको एक्सचेंज कर लेना है, ठीक है। जो डुप्लीकेट करना है वो डुप्लीकेट, ठीक है। और इसका जो कलर है आपको सिंपल से चेंज कर लेना है, मैं कोई भी कलर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाला कलर दे देता हूँ, आपको ओके पे क्लिक करते हो। आपको आप देख सकते हो आपका जो स्टेप से होगा मतलब एक नीचे की तरफ से आएगा एक ऊपर की तरफ से जाएगा, ठीक है। इस स्टेप से हो गया। देन आपको करना क्या है ये लेयर को क्लिक करना है और ये जो लेयर है आपको सिंपल से कॉपी कर लेना है, ठीक है। एंड कॉपी करके इस स्टेप से पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस स्टेप से आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस स्टेप से देन इधर ऊपर की तरह ऊपर जो लेयर है उसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफर पे जाके आपको इस स्टेप से मूव कर लेना है, ठीक है। इस स्टेप से, ठीक है। देन आपको एडिट टेक्स्ट पे जाना है और ये आपको सिंपल से मिटा के कोई भी एक लेटर आपको सिंपल से लिखना है, ठीक है। तो मैं के लिख लेता हूँ, ठीक है, के लिख लेता हूँ। देन आपको करने के लिए रोबोट एंड रेगुलेटर पे जाने के बाद एक फ्रंट मिल जाएगा वेडिंग करके, इसके ऊपर सिंपल से क्लिक करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक इमोजी इधर ऐड हो गया है। मोबाइल ट्रांसफर के जाने के बाद आपको किसी भी तरह ये इधर एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपका जो पहला लिरिक्स का जो पहला लाइन है इस टाइप से कुछ हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट लिरिक्स आपको लिखने के लिए आपको करना क्या है इस दो लेयर के ऊपर आपको इस टाइप से क्लिक करना है, ठीक है। देन इस वाला ऑप्शन को सिंपल से क्लिक करना है एंड कॉपी टू लेयर आपको कर देना है, ठीक है। देन इधर आपको आना है और आपको ये इधर पेस्ट टू लेयर कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस स्टेप से पेस्ट हो गया। मेरा बिटमार्क किधर तक है तो मैं इस स्टेप से आऊँगा
एंड लेयर के ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक करना है एंड इस वाला ऑप्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक करके ये वाला बटन आपको लगा देना है एंड बीट मार्क के तरफ आपको आना है, बीट मार्क जिधर है इस टाइप से आपको आना है, ठीक है। देन आपको करना है कि लिरिक्स आपको चेंज करने के लिए लिरिक्स के ऊपर क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट पे जाना है, इसको मिटा के आपको जो देते लाइन वो मैं लिख लिया, ठीक है। देन ओके पे आपको सिंपल से क्लिक करना है, ठीक है। देन आप ऊपर की तरफ जो लेयर है इसको आपको सिंपल से एडिट टेक्स्ट पे जाके आप इधर से चेंज कर सकते हैं, कोई भी एक लेटर लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ ये वाला, ठीक है। देन ओके पे आपको सिंपल से क्लिक करना है। देन आपको इधर एक काम करना है, आपका जो कलर चेंज अगर करना चाहते हैं तो लिरिक्स का जो कलर चेंज करने के लिए आपको इधर आना है, इफेक्ट पे जाना है, ठीक है। जो ऊपर की तरफ जो स्ट्रिप्स है इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करके इधर जो कलर है आपको सिंपल से चेंज करना है, तो मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कोई भी कलर इधर ये वाला कलर मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। देन नीचे का जो स्ट्रिप्स है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इसका जो कलर है आपको सिंपल सा चेंज कर देना है, ठीक है। तो मैं ए लग देता हूँ, ठीक है। देन आपको करना कि ऊपर की तरफ जो मतलब जो लेयर है इस मतलब इमोजी इसको भी आपको वही कलर रखना है जो कलर अपने लिरिक्स पे रखा था, ठीक है। तो मैं ऊपर की ऊपर जो स्ट्रिप्स है उसके कलर मैंने क्या रखा था, ब्लू, ठीक है। तो ब्लू रख देता हूँ एंड जो नीचे का जो स्ट्रिप था इसका कलर मैंने क्या रखा था, इसका कलर मैंने ए रखा था, तो मैं ए रख देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका जो मतलब द्वितीय लाइन है इस टाइप से कुछ हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं तो इसी तरीके से आप मतलब बाकी का जो लेयर है इस स्टेप से आप लिख लेना, ठीक है। देन लास्ट पे आपको एक काम करना है, एक वीडियो आपको इधर ऐड करना है, तो प्लस में दे दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते जो इफेक्ट है इधर कहाँ इधर आके ऐड हो मतलब स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इधर तक तो मैं बाकी का सामने जो पार्ट था ये स्टेप से काट दूंगा और आपको इस स्टेप से ले आना है, ठीक है। फर्स्ट पे स्टेप से ले आना है। देन आपको करना क्या है, ये ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में जाना है, लाइट इन पे जाके आपको ये स्क्रीन कर देना है, ठीक है। देन आपको मूवमेंट ट्रांसफर पे जाके आप इधर से थोड़ा सा जूम कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। देन आपको लिरिक्स के ऊपर कोई भी आना है और आपको ये वाला मूवमेंट ट्रांसफर पे जाके आप एडजस्ट कर सकते हो, आप जिधर भी लगाना है, ठीक है। तो मैं इस टाइप से इधर लगा देता हूँ इस टाइप से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से आपका जो मतलब लिरिक्स है वो इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई किसी भी तरह एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड इसका जो वीडियो का जो बाकी का पार्ट है आपको काट देना है, ठीक है। मतलब जिधर तक गाना है इसके ऊपर आना है और बाकी का जो पार्ट है इस टाइप से आपको काट देना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जो वीडियो है वो रेडी होकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। देन आपको करना है कि ऊपर की तरफ शेयर वाला ऑप्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है एंड ये आपको एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है।